वेलकम टू माय चैनल, आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो आने वाले हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली, करवा चौथ। तो लॉकडाउन है, हम कहीं बाहर जा भी नहीं सकते शॉपिंग वगैरह के लिए। तो लॉकडाउन बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन नहीं है, हट चुका है, अनलॉक हो चुका है बहुत सारी जगह, बट मार्केट वगैरह भी उतनी अच्छे से लगे नहीं है। और जो भी मार्केट ओपन हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं लॉकडाउन की, कोरोना वायरस की वजह से। क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि यार अच्छे हैं, यही टाइम में बेचने का, लोग तो खरीदेंगे, एक होता है ना वो जाना, तो वैसा हो चुका है। और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी मार्केट वगैरह उतने अच्छे से ओपन नहीं हुए हैं। तो उसी बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि मैंने चूज़ किया है ये येलो कलर की साड़ी। साड़ी आप देख सकते हैं, तो बेसिकली जो साड़ियाँ होती है वो सिंपल सोबर जो साड़ियाँ होती है वो हर एक फेस्टिवल में चल जाता है, चाहे वो आपका दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो एंड करवा चौथ आने वाला है, तो उस पर भी आप इसे बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये साड़ी चूज़ की है, ये एक येलो इन कलर में साड़ी है एंड ये पूरी सिंपल साड़ी, इस पर कोई भी वर्क नहीं है, बस इसका जो ये आंचल जो आता है ना, जो हम लोग ये पल्ला लेते हैं, सो वहाँ पे ये स्वास्तिक बना हुआ है। आप देख सकते हो ये धागे से ही स्वास्तिक बना हुआ है, जो कि बहुत ही इसे एकदम फेस्टिवल सा त्यौहार वाला लुक दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसकी जो फैब्रिक है ना, ये कॉटन सिल्क जो आती है ना, वो इसकी फैब्रिक है। जो कि इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये बस 250 रुपये की साड़ी है, या ये बस 250 रुपये की साड़ी है। एंड आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लगता है। तो या तो आज मैं इसी 250 रुपये की साड़ी को स्टाइल करने वाली हूँ, एक एथनिक लुक, एक ट्रेडिशनल लुक देने वाली हूँ। एंड इस साड़ी को मैं स्टाइल करने वाली हूँ इस टॉप के साथ, आप देख सकते हो। तो मैंने इसी टॉप को एज अ ब्लाउज पहना है, एंड आप इसे किसी ब्लाउज के साथ भी पेयरअप कर सकते हो, बट मैंने इस टॉप के साथ इसे इसलिए पेयरअप किया है ताकि थोड़ा सा ना ऐसा क्लासी सा लुक आए, थोड़ा डिफरेंट सा लुक आए। तो या इसलिए मैंने ये टॉप चूज़ किया। आप चाहो तो कोई भी ब्लाउज पहन सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये तो हो गई हमारी ड्रेस की बात, सो मैं जल्दी से साड़ी को वेयर करके आती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे मेकअप की तरफ। सो आप देख सकते हैं ऑफ कैमरा मैंने साड़ी वेयर कर लिया है। तो इस टॉप के साथ ये साड़ी कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, क्योंकि ये एक येलो कलर है, ये एक डार्क मरून शेड है, तो दोनों का पेयरअप बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इस फेस्टिवल सीजन के लिए दोनों कलर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो नेक पीस के लिए आई हैव टू ऑप्शन। सो जो फर्स्ट नेक पीस ऑप्शन है वो है ये बहुत ही थिन सा एक नेक पीस है, जो कि एज अ चोकर आप पेयर कर सकते हैं इस तरह से। सो ये कुछ ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हो। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ये थोड़ा इंडो वेस्टर्न टाइप ऑफ ज्वेलरी है। सो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, अभी के टाइम पे इस तरह की ज्वेलरी भी बहुत चली हुई है। सो एंड इसे मैंने एक वीडियो में वेयर किया हुआ है, तो इसे वेयर करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। आई थिंक ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सो यार मुझे ये वाली ज्वेलरी इसके साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड ईयरिंग के लिए मैंने ये स्टार चूज़ किया है, सो इस वाले आउटफिट के साथ आई थिंक ये वाला अच्छा लगेगा। तो सेकेंड हैंड में मैंने ये चूड़ी पहनी है, जो कि मेरे टॉप के कलर से मैच करता हुआ कलर है, मरून ही है। सो मैंने इसे एक हैंड में बहुत अच्छे से भर के पहना है, एंड कुछ ऐसा लग रहा है। सो अब मूव ऑन करते हैं अपने मेकअप की तरफ। सो मैंने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया था, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है तो हमें अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। सो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से, एंड मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। सो उसे मैंने अच्छे से अपने पोर एरियाज़ पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी। सो अगर आपको अपना बेस फ्लॉलेस चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से वेट करें, उसके बाद ही यूज़ करें। इससे आप जो आपका बेस होगा, आपका फाउंडेशन होगा, वो केक ही नहीं लगेगा, बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा। देन आप अपने नेक को एंड ईयर को भी अच्छे से कवर अप कर लें।
नेक्स्ट आपको लेना है कंसीलर। मैं यहाँ से उस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ और आपको इसे अपने अंडर आइज एरियाज पे, ब्रिज ऑफ द नोज, अराउंड योर माउथ एंड फॉरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एंड अगर आपको थोड़े से पिगमेंटेशन है फेस पे तो आपको वहाँ भी अप्लाई करना है एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेना है। एंड अगर आपको ब्रश कन्वीनियंट लगता है तो आप ब्रश से अभी इसे ब्लेंड कर सकते हो। सो आप देख सकते हो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर यूज़ किया है उस एरियाज़ को अच्छे से सेट कर लूँगी। मैं पूरे फेस को सेट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, सो थोड़ा सा पैची हो जाएगा अगर मैं पूरे स्किन को बेक करूँगी या फिर सेट करूँगी तो। सो मैं बस अपने कंसीलर के एरियाज़ को सेट कर लूँगी। देन हम फिल करेंगे अपने आईब्रोज़ को। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे माल्याओ का आईब्रो पैलेट लिया है, उसमें से मैंने ग्रे शेड लिया है एंड अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। एंड आपको अपने आईब्रोज़ को मिश नहीं करना है, अच्छे से उसे फिल करना है क्योंकि आईब्रो फिल करने के बाद एक अलग सा ही लुक आता है आपके फेस पे, पूरे मेकअप में चार चांद लग जाता है। सो मैंने अपने आईब्रो को फिल कर लिया है। सो उससे पहले मैं यहाँ अपने पाउडर को डस्ट ऑफ कर ले रही हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा देर पाउडर रह जाएगा तो उससे भी आपकी जो मेकअप है वो केकी हो जाता है, पैची हो जाता है। सो उसके बाद मैंने अपने दोनों आईब्रो को फिल करके उसे अच्छे से कॉम कर लिया है। देन मैं अपने आईलेट पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एज अ आई बेस ताकि जो मेरा आई शेडो का कलर है वो बहुत ही अच्छे से निखर कर आए। सो मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एंड इसे मैं सेट भी कर ले रही हूँ सेम बनाना पाउडर की हेल्प से। देन मैंने ये बागंडी टाइप ऑफ शेड लिया है, बहुत ही मस्टर्ड टाइप ऑफ शेड है एंड उससे मैं इसे क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हो मैं बहुत ही लाइट हैंड से ब्लेंड कर रही हूँ, कोई भी ऐसा जोर नहीं लगा रही मैं। देन मैंने वेट एंड वाइल्ड के ये इस पैलेट से ये डार्क मरून शेड लिया है एंड इसे मैं अपने पूरे आईलेट पर अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो पूरे आईलेट पे मैं अच्छे से इसे अप्लाई करूँगी एंड सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो ब्लेंडिंग पे आप अच्छे से ध्यान दें। सो मैंने समथिंग मरून स्मोकी आई लुक क्रिएट किया है क्योंकि जो स्मोकी आई लुक होता है ना वो हर एक आउटफिट के साथ एंड हर एक ओकेज़न पे बहुत ही अच्छे से जाता है एंड बहुत ही अमेजिंग लुक देता है। सो इसलिए एंड देन मैंने एक लाइट सा शेड लेके अपने जो भी क्रीज एरियाज पे एजेस थे उसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन मैंने सेम मरून शेड को अप्लाई किया अपने लोअर लेस लाइन पे एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो ये बहुत ही सिंपल है, आपको जो आप अपर आईलेट पे अप्लाई कर रहे हो सेम आपको लोअर लेस लाइन पे अप्लाई करना है। देन मैंने इस हेलरी रोडा के ड्यूब पैलेट से ये मरून सा शेड लिया है एंड उसे अपने पूरे आईलेट पे अच्छे से प्लेस कर रही हूँ ताकि जो मेरा कलर है वो बहुत अच्छे से दिखे क्योंकि ये शेड अच्छे से मैच नहीं कर रहा था, बट ये वाला जो शेड है वो अच्छे से मैच करेगा मेरे ब्लाउज के साथ। देन मैंने एक गोल्डन शेड लेके इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया वाइट काजल एंड देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक ब्लैक आई शेडो एंड ब्रश की हेल्प से मैंने उसे अच्छे से स्मज कर लिया है। तो मैंने यहाँ ऑफ कैमरा फॉल्सेस भी अप्लाई कर ली है। देन मैं यहाँ पे अपने लैस बैंड को हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का आईलाइनर। सो मैंने बस अपने लैस बैंड को हाइड करने के लिए ही इसे यूज़ किया था। सो अब हम यूज़ करेंगे मस्कारा। सो मैंने यहाँ पे लिया है लोटस का मस्कारा एंड इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपने लैसेज पे। इसकी हेल्प से मेरे फॉल्स लैसेज एंड जो मेरे रियल लैसेज है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे जिससे कि बहुत ही नेचुरल सा लुक आएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने लोअर लैसेस पे भी मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो कि बहुत ही डिफरेंट आ जाएगा जब आप अप्लाई करते हो अपने लैसेस पे मस्कारा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे SFR कलर का ये फेस पैलेट ले रही हूँ, इसमें से मैंने ये डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। सो फर्स्टली मैं यहाँ अपने हॉलो ऑफ द चिक्स पे कलर अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं अपने हेयर लाइन के क्लोज जॉइंट करते हुए मैं यहाँ पे अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। सो नेक्स्ट अपने फॉरहेड को मैं कॉन्टोर करूँगी।
jawline and also my nose. सो अगर आपको ब्रश की हेल्प से कॉन्टूर करने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फिंगर की हेल्प से भी कॉन्टूर कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने सेम पैलेट से ये ब्लश शेड लिया है एंड मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ. सो मैं बहुत ही फ्रंट पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा लिफ्टेड लगे. नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर एंड इसे मैं अपने चिक बोन पे, टिप ऑफ द नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड फॉरहेड पे अप्लाई कर लूँगी. ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड इसका जो पिगमेंटेशन है वो भी बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता है. सो आप चाहो तो ये ले सकते हो. नेक्स्ट मैं लिटिल बिट अपने ब्रा बोन को भी हाईलाइट करूँगी. लिपस्टिक लिए मैंने यहाँ पे लैकमे की ये पीची लिपस्टिक ली है. सो ये कलर मेरे मेकअप के साथ सही नहीं जा रहा था तो इसे मैंने चेंज करने के लिए यहाँ यूज़ किया है मेबेलिन का ये न्यूड लिपस्टिक. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पीछे एक बन बनाया है सिंपल सा एंड मिडिल पार्टीशन किया है एंड मैंने कोई भी ऐसा कॉम यूज़ नहीं किया है, मैंने एक रफ सा मेसी सा बन बनाया है, आप देख सकते हो. नेक्स्ट मैं बॉबी पिन की हेल्प से अपने जो फ्रंट हेयर है उसे अच्छे से सिक्योर कर लूँगी ताकि वो निकले ना. देन मैं यहाँ लगाऊंगी सिंदूर. सो मिडिल पार्टीशन करने के बाद जब आप सिंदूर अप्लाई करते हो ना तो बहुत ही अच्छा सा लुक आता है, बहुत ही क्लासी लुक आता है. सो आप चाहो तो इस लुक को यहीं पे फिनिश कर सकते हो, अच्छा लगेगा. बट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी बिंदी एंड मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बिंदी अप्लाई की है क्योंकि ये थोड़ा सा करवा चौथ एंड फेस्टिव सीजन लुक है सो अच्छा लगता है बड़ी बिंदी. सो दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सटल लुक है एंड इस लुक को देख के कोई नहीं कहेगा कि ये 250 रुपये की साड़ी है क्योंकि इस लुक को इतने अच्छे से एक्सेसरीज से ड्रेसअप किया गया है कि बहुत ही प्यारा लग रहा है ये लुक. सो आपको ये लुक कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल्सो हिट द बेल आइकन. सो या गाइज दैट्स ऑल फॉर